Honorable Speaker Sahab, Honorable Speaker Sahab, चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर के तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुअरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेंगे। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इस पर बढ़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों के तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर का हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस के तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए, थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस किसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाए, लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस के तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस के तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, छोड़ो नहीं, छोड़िए, स्पीकर साहब आने वाले, स्पीकर साहब आने वाले दिनों में, स्पीकर साहब आने वाले दिनों में आपके साथ मशवरा करने के बाद हाउस के तरफ से एक प्रपोजल आ जाएगा जिस पे बहस होगी और फैसला होगा। मैं अब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके हाउस को फिलहाल एडजर्न करिए और हम गवर्नर साहब के खुतबे के लिए दोबारा जमा होंगे। मेहरबानी करके तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे।
आगे बढ़ने पर मैं जनाब जनाब चीफ मिनिस्टर आपको मालूम है कि जनाब गवर्नर साहब अभी 10 मिनट 10-15